अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सना की रेसिपीज़ में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से चिकन छोले बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर हाफ के जी हमने यहाँ पर चने लिए हैं। हमने पहले इसे पूरी रात के लिए भिगो दिया था पानी में, और हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था और 1/2 टेबल स्पून जो मीठा सोडा होता है, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, हमने वो डाल के इसे पूरी रात के लिए हमने भिगो के रख दिया था। और हमने इसको सुबह बॉयल किया है। और यहाँ पर हमने देखें, एक प्याज, बड़ी प्याज लेके इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में पीस लिया है। एक अदद हमने यहाँ पर आलू लिया है, ये बड़े साइज़ का, इसे हमने बॉयल कर लिया है। 1/2 कप हमने यहाँ पे दही ली है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर का जो हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। और 1 कप हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, अदरक का टुकड़ा लिया है, बारीक बारीक काट लिया है, 4-5 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं। और मसालों में हमने यहाँ पर 1 टीस्पून यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, और 1 टेबल स्पून भर कर हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया है, और 1 टीस्पून यहाँ पर हमने भर कर पीसी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, और यहाँ पे हमने एक चिकन क्यूब ली है। आपके पास अगर ये ना हो तो आप इसे चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून जो है हमने यहाँ पर हल्दी ली है। अब जो हमारे पास बॉयल चने थे, हमने उसमें से 1 कप जैसे हमने चने निकाल लिए हैं, हम इसमें डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को जो हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ब्लेंडर में देखें कितना बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट बना लिया है बिल्कुल ना। हमने थोड़ा सा पानी डाला, छोले और आलू डाल के हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। पैन में हम यहाँ पर 1/2 कप ऑयल डाल देंगे और 1/2 कप हम बचा लेंगे। ऑयल में हम ये प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। 5 मिनट तक जो है हम इसे प्याज को जो है वो हम अच्छे से बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, हमने इसे अच्छे से बिल्कुल फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल, 2-3 मिनट हमने लहसुन अदरक डाल के भी इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट डाल देंगे ये, और मसाले डालते जाएंगे, मिक्स कर लेते हैं इसे, और इसके अब हम मसाले डालते रहेंगे और इसकी भुनाई हम करते रहेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट यहाँ मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप चेक करके अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और ये हमने चिकन क्यूब जो हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है वो डाल देंगे। अब हम इसमें काली मिर्चें और गरम मसाला जो है अभी हमने नहीं डाला, वो हम आखिर में डालेंगे। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं 5-6 मिनट तक मसाले की। पाँच से छः मिनट हमने देखे मसाले की भुनाई कर ली है, बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने चनों का और आलू का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं हम। और इसे भी हमने इसी तरीके से हम 5 मिनट तक तकरीबन हमने इसको भूनना है। अगर ये लगने लगे नीचे से तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ताकि ये नीचे से ना जले। देखिए, अच्छे से हमने बिल्कुल इस पेस्ट को जो है वो मिक्स कर दिया है, और इसमें हम दही भी डाल देते हैं, और इसकी हम 5 मिनट तक जो है बहुत अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, हमने 5 मिनट जो है ये चीज़ें डाल के भी इसकी भुनाई कर दी है। अब हम इसमें चने डाल देते हैं, ये हम इसमें चने डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये और बहुत ही अच्छे लगते हैं, नान के साथ भी अच्छे लगते हैं ये, आप इसको राइस के साथ भी खा सकती हैं। देखिए, हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 3 ग्लास जैसे जो है इसमें पानी डाल देते हैं,
से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और ये काली मिर्ची डाल देंगे और जो हमने अदरक काटी थी इसमें थोड़ी अदरक स्टेम डाल देंगे, थोड़ी हम गार्निशिंग के लिए रख देते हैं और हरी मिर्ची डाल देते हैं और थोड़ी सी बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। मिक्स कर लेते हैं और इसे हमने सारा टाइम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया है, फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। अब इसमें जब जैसे थोड़ा सा बॉयल कवर करके हम इसे जो है 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे जो हम इसे रख देंगे। देखिए इसमें जो है पानी जो है इसमें बॉयल हो चुका है, अब हम इसे कवर कर देते हैं और लो फ्लेम कर देते हैं हम इसे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं लो फ्लेम पर। 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, हमारे चिक्कड़ छोले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल लेसदार सी ऐसे बन चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हम इसे तड़का लगाते हैं। हमने एक पैन लिया, आप उसमें जो हम आधा जो हमें तेल बचाया था हाफ कप हम उसमें डाल देंगे तड़का लगाने के लिए। इसे गरम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, ऑयल गरम हो चुका है और हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये इसमें मिर्ची नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसमें डाल देंगे। बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम ये तड़का जो है वो हम इसमें डाल देंगे, इस तरह रखें कवर ताकि ये तेल उछल के ना आए। इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए इसे खोल के देखते हैं कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और कलर भी कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। ये देखिए इसको मिक्स कर देंगे, इसे अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमने जो हरी मिर्ची गार्निशिंग की बचाई थी वो डाल देते हैं, अदरक डाल देंगे, तो तैयार है हमारे बहुत ही जबरदस्त से चिक्कड़ छोले। आप लोग जरूर बनाएगा, बहुत ही मजे के बने, बहुत जबरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी, आप लोग जरूर बनाएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।